हेलो गाइस, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूरोपियन टी10 क्रिकेट लीग के चैंपियनशिप वीक स्टार्ट हुई है इसके 20वें मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा साइमर्स वर्सेस जिन्ना ब्रेसिया के बीच। टाइमिंग है 10 बजे, इंडियन टाइमिंग के अनुसार स्टार्ट होएगा। डेट देखे 21 मार्च 2024 आज ही की है, ठीक है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखे तो काटमा ओवल काटमा पर खेले जा रहा है इस टूर्नामेंट के सभी मैच, तो आज का भी इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। एवरेज स्कोर की बात करें तो 160 से लेकर 170 का रन के करीब पड़ता है इस वेन्यू पर, ठीक है। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें सीजन में तो लगभग 110 मैच हुए हैं जिसमें से 60 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 15 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टूर्नामेंट से रिलेटेड आपको सारे वीडियो मिल जाए। साथ ही कल से आईपीएल भी स्टार्ट हो रहा है तो हम आईपीएल के भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं इस मैच की। पहला टीम है जिन्ना ब्रेसिया की, जिसने इस टूर्नामेंट में 12 मैच खेले, 9 मैच जीती है और 3 मैच हारी है। इन्हों की तरफ से ओपनिंग कर रहा है नासिर अहमद, जिसने इस टूर्नामेंट के 12 मैचों में 198 रन बनाए 16 की एवरेज से। यह एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है और आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है शाहरुख नवाज, जिसने इस टूर्नामेंट के 12 मैच में 417 रन बनाए 35 की एवरेज से। बहुत बढ़िया प्लेयर है और इस टूर्नामेंट में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है। साथ के साथ अपन टीम भी बनाएंगे तो आपका आइडिया लग जाएगा कि टीम किस प्रकार से हम आपको बना के भेजते हैं, ठीक है। पहला प्लेयर है शाहरुख नवाज, इस टीम की तरफ से अपन ने सेलेक्ट कर लिया। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 39 मैचों में 779 रन मारे 19 की एवरेज से, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है इस टूर्नामेंट में। ओपनिंग कर रहा है और मस्ट पिक प्लेयर है। इसके बाद एक नया प्लेयर ऐड हुआ है इस टूर्नामेंट में जिसका नाम है असद तनवीर, जिसने इस टूर्नामेंट के 5 मैचों में 124 रन बनाए। ओवरऑल रिकॉर्ड देखिए 20 मैचों का जिसमें 407 रन बनाए 22 की एवरेज से। 16 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 4 विकेट लिए। इसके बाद है चौथा प्लेयर जनाकावास, जिसने इस टूर्नामेंट में 12 मैचों में 74 रन बनाए, 9 ओवर की गेंदबाजी करी, 2 विकेट लिए। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे 23 मैचों का जिसमें 182 रन बनाए, 29 ओवरों की गेंदबाजी करी है, 23 विकेट लिए। इसके बाद है इसको ट्राई करना और जनाकावास को तो ट्राई करना वरना रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ऊपर से नासिर अहमद और असद तनवीर में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। दोनों का सिलेक्शन ठीक ठाक है, असद तनवीर का 31% है और नासिर अहमद का 61% है, तो किसी एक प्लेयर को ट्राई कर सकते हो दोनों में से, ठीक है। इसके बाद है मोहम्मद मोइज रिजवान, जिसने इस टूर्नामेंट के 12 मैचों में 237 रन बनाए 19 की एवरेज से। 10 ओवर की गेंदबाजी करी, 4 विकेट लिए। यह भी एक ठीक ठाक प्लेयर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और इस टीम की तरफ से मस्ट पी के सिलेक्शन भी हाई रहता है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी लोग बनाते हैं तो अपन को इसको ड्रॉप नहीं करना है, भले कैप्टन वाइस कैप्टन दो या नहीं दो। इसके बाद है गुलाम फरीद, जिसने इस टूर्नामेंट के 5 मैच में 41 रन बनाए। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे तो 39 मैचों का जिसमें 128 रन बनाए 43 की एवरेज से। 26 विकेट लिए, ठीक है। इसके बाद है मोहम्मद इमरान, जो आपको हर मैच में गेंदबाजी प्रोवाइड करवाएगा, बॉलिंग करवाता है कन्फर्म, जिसने इस टूर्नामेंट में 23 ओवरों की गेंदबाजी करवाई और 7 विकेट लिए। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे 48 मैचों का जिसमें 353 रन बनाए, 13 की एवरेज से 78 ओवरों की गेंदबाजी करी है, 39 विकेट लिए। बॉलिंग कंफर्म करा के देगा आपको हर मैच में, स्टार्टिंग में करवाता है लेकिन विकेट थोड़े कम मिलता है। इसके बाद है बिलाल खान, जिसने इस टूर्नामेंट के 12 मैचों में 23 ओवर की गेंदबाजी करी है, 12 विकेट लिए। यह एक विकेट टेकर बॉलर है और साथ ही कन्फर्म 2 ओवरों की गेंदबाजी भी करवा रहा है, तो अपन यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो टी10 के तो 43 मैच में 343 रन बनाए, 84 ओवर की गेंदबाजी कराई है, 33 विकेट लिए, ठीक है। इसके बाद है रुखसार अहमद, जो भी एक अच्छा खासा गेंदबाज है और आपको हर मैच में 2 ओवरों की गेंदबाजी प्रोवाइड करवाएगा और इसकी खास बात यह है कि डेप्थ में बॉलिंग कराना आता ही है, तो ज़्यादातर मैचों में इसको विकेट मिल ही जाते हैं। 12 मैचों में 23 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 13 विकेट लिए। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे 56 मैचों में 30 रन बनाए, 88 ओवर की गेंदबाजी करिए, 53 विकेट लिए। इसके बाद है हसन अली, जिसने इस टूर्नामेंट के 5 मैचों में 10 ओवरों की गेंदबाजी करी है, 4 विकेट लिए। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे 49 मैचों का जिसमें 83 ओवरों की गेंदबाजी करी और 40 विकेट लिए। इस गेंदबाज को आप फर्स्ट गेंदबाजी में ट्राई कर सकते हो, सेकंड गेंदबाजी में आप इसको छोड़ देना। इसके बाद है वसीम अहमद, जिसने इस टूर्नामेंट के 9 मैचों में 90 रन बनाए, बल्लेबाजी भी करता है साथ ही और गेंदबाजी भी आपको प्रोवाइड करवाएगा कंप्लीट 2 ओवर की। इस टूर्नामेंट में 17 ओवर की गेंदबाजी करी है 9 मैच में और 9 विकेट लिए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करता है, तो अपन एक प्लेयर इसको ले लेते, सिलेक्शन भी इसका हाई है, ठीक है। इसके बाद है बेंच पे, तो बेंच पे कोई भी प्लेयर है तो इसके स्टैट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। और बात करते हैं दूसरी टीम की साइमस की, जिसने इस टूर्नामेंट में 11 मैचों में 7 विन करें और 4 मैच हारी है, ठीक है। यह भी एक अच्छी खासी टीम है, अनुभवी प्लेयर है सब इसमें और
ज़्यादातर इस मैच पे आपको प्लेयर बैट्समैन पे दाव लेना है, बॉलरों पे कम दाव लेना है, ठीक है। इन्हों की तरफ से ओपनिंग कर रहा है जेसन वैन डे मार्वे, जिसने इस टूर्नामेंट के 11 मैचों में 363 रन बनाए, 33 की एवरेज, अच्छा प्लेयर है। और फर्स्ट बैटिंग में आप इसको CVC ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, सलेक्शन हाई रहता है हमेशा। ओवरऑल रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं, 15 मैचों में 641 रन बनाए 58 की एवरेज से। और इसके बाद है विकेट कीपर बैट्समैन क्रिस डुकार्टी, जिसने इस टूर्नामेंट के 11 मैचों में 277 रन बनाए 25 की एवरेज से। विकेट कीपिंग सेक्शन से आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको भी ट्राई कर सकते हैं, दूसरे विकेट कीपर नाजिम अहमद को भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों को ट्राई करना हो तो दोनों को ले सकते हैं आप। फिलहाल के लिए अपन क्रिस डुकार्टी को लेंगे। इसके बाद है कार्सन मैकुलगम, जिसने इस टूर्नामेंट के 11 मैचों में 246 रन बनाए, 3 पर बल्लेबाजी करता है या कभी 4 पर करता है, ठीक है, मस्ट पिक प्लेयर है। साथ ही 22 ओवरों की कंप्लीट गेंदबाजी भी करी है, तो इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टनसी का डिफॉल्ट चॉइस आप इसको बोल सकते हो, जिसमें 14 विकेट लेके गया है, ठीक है। और ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो 27 मैच में 282 रन बनाए 21 की एवरेज से, 43 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 33 विकेट लिए। उसके बाद है जॉन मर्चेंट, जिसने इस टूर्नामेंट के 10 मैचों में 10 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 5 विकेट लिए। बॉलिंग भले ही कम करवा रहा है, लेकिन बल्लेबाजी का जब भी मौका मिलता है तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करके देता है, ठीक है, तो इसको भी आप इग्नोर मत करना। फर्स्ट बैटिंग में तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, सेकंड बैटिंग में आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो। और इन सभी चीज़ों की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। इसके बाद है मैक्स बार्टन, जिसने इस टूर्नामेंट के 11 मैचों में 146 रन बनाए, बैटिंग पोजीशन नीचे है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखें 10 मैच में 151 रन बनाए, 30 की एवरेज है। खाली फर्स्ट बैटिंग में ट्राई करना, सेकंड बैटिंग में आप इसको हटा देना। इसके बाद है एलन काउटर, जो आपको हर मैच में 2 ओवरों की गेंदबाजी प्रोवाइड करवाएगा और एक अच्छा गेंदबाज है, ज़्यादातर मैचों में विकेट लेके जाता है। 20 ओवरों की गेंदबाजी में 11 विकेट लिए इस टूर्नामेंट के 11 मैचों में। ओवरऑल रिकॉर्ड देखें 13 मैचों का, जिसमें 20 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 13 विकेट लिए। इसके बाद है क्लाइन नोल्टी, जिसने 11 मैचों में 19 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 7 विकेट लिए। बॉलिंग ठीक ठाक करवाता है, लेकिन विकेट कम मिलते हैं उसको भी, तो आप इसको चाहो तो ले सकते हो, वरना आप रिमूव कर सकते हो। इसके बाद है जेकब मॉल्डर, जिसने इस टूर्नामेंट के 11 मैचों में 21 ओवर की गेंदबाजी करी, 7 विकेट लिए। यह भी आपको गेंदबाजी कन्फर्म डालेगा, ठीक है, लेकिन इसको भी विकेट कम मिलता है, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग में गेंदबाजी डालता है और सामने हमेशा अच्छे बैट्समैन आते हैं ओपनर, ठीक है, दोनों टीमों में अच्छे ओपनर है। इसके बाद है एडम हैसले, जिसने 9 मैच में 10 रन बनाए, इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है मार्क बीच, जिसने इस टूर्नामेंट के 11 मैचों में 14 ओवर की गेंदबाजी कराई और 10 विकेट लिए। बॉलिंग भले ही कम करा रहा है, लेकिन इसको ज़्यादातर मैचों में विकेट मिल जाते हैं। और बॉलिंग सेक्शन से अगर आप किसी एक प्लेयर को सोच रहे हो तो एक मार्क बीच को भी ट्राई कर सकते हो, सलेक्शन भी मात्र 16% है, ठीक है। इसके बाद है लास्ट प्लेयर क्रिस रॉबिन्सन, जिसने इस टूर्नामेंट के 4 मैच खेले, बैटिंग बॉलिंग का कुछ खासा मौका मिला नहीं है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे 14 मैचों का, जिसमें 1 रन बनाया, 16 ओवर की गेंदबाजी करी है, 16 विकेट लिए। बेंच पर भी इनके 2 प्लेयर, तो इन दोनों में से कोई खेलेगा तो उसके स्टैट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट में हमको बोल सकते हो, हम उस चीज़ का सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे। और साथ ही जो कल से IPL स्टार्ट हो रहा है, उसके भी वीडियो हम आज डाल देंगे, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है। IPL के हमने सभी पहले मैच का चार्ट बना लिया है, जिसमें हमने हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड और IPL का ओवरऑल रिकॉर्ड लिखा है प्लेयरों का, और हेड टू हेड टीमों का रिकॉर्ड भी लिखा है, ठीक है। तो आपको एक अच्छी टीम बनाने में हेल्प मिल सकती है, इसीलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बात करते हैं टीम की, तो टीम में ये 10 खिलाड़ी अपन ने सेलेक्ट कर लिए, जो मैंने बताया था आपके सामने सेलेक्ट करें। इसके अलावा जो एक प्लेयर बच रहा है, उसमें आप मार्क बीस्ट को ट्राई कर सकते हैं एक टीम में, किसी में जेकब मॉल्डर को, मतलब सभी बाकी जो प्लेयर बच रहे हैं उन सब में एक एक प्लेयर को रोटेट करके टीमें बना सकते हैं। अगर ज़्यादा टीम लगा रहे हो तो जेकब मॉल्डर को ट्राई कर लेना, इमरान को ट्राई कर लेना, मार्क बीस्ट को, क्लाइन नोल्टी को, हसन अली को भी आप इग्नोर मत करना, क्योंकि हर मैच में 2 ओवरों की गेंदबाजी करवा रहा है, ठीक है। और बल्लेबाजी से असद तनवीर को फर्स्ट बैटिंग में ट्राई करना है, नाजिम अहमद को आपको सेकंड बैटिंग में ट्राई करना है, जब इनकी टीम चेजिंग कर रही होगी, ठीक है। और इसके अलावा किसी को देखे तो ये मैक्स बार्टन को भी आपको फर्स्ट बैटिंग में ट्राई करना है। जनाका वास एक डिफरेंशियल के तौर पर आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पिछले कुछ मैचों से बॉलिंग करवा रहा है ये, तो डिफरेंशियल के तौर पर आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा कोई खासा ऑप्शन नहीं है ऑलराउंडर सेक्शन में, और बॉलिंग सेक्शन में खूब सारे ऑप्शन है, तो इनों में से आप अलग अलग प्लेयर को रोटेट करके टीमें बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अपन यहाँ से मार्क बीस्ट को लेते हैं, क्योंकि बॉलिंग भले ही कम करवाता है, लेकिन ज़्यादातर मैचों में विकेट लेके जाता है। या फिर इसकी जगह अपन हसन आमिद को ले, नाजिम अहमद को ले लेते हैं, क्योंकि साथ ही निसार अहमद को, ताकि ये विकेट कीपिंग के पॉइंट भी अपने को थोड़े बहुत प्रोवाइड करवा देगा। कैप्टनसी की बात करें तो कार्सल मैकुलगम कैप्टनसी का बेस्ट चॉइस है इस मैच में, डिफॉल्ट चॉइस बोल सकते हो। तो आप जितनी भी टीमें बनाओ, हेड टू हेड की ग्रैंड लीग की कैप्टन इसी को रखना। वाइस कैप्टनसी के इस मैच में खूब सारे दावेदार हैं, जैसे शाहरुख नवाज को ट्राई कर सकते हो, जेसन वैन डेन मार्वे को ट्राई कर सकते हो,
मोहम्मद रिजवान मोहित भी कुछ मैचों से चला नहीं है, तो इस मैच में अच्छी खासी परफॉर्मेंस देने की उम्मीद है, और या फिर एलन काउटर को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। भाई अभी फ़िलहाल आप जेसन वेंडन मार्वे को कैप्टन बना दो। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ। जो भी फाइनल अपडेट होगी, जो टीम होगी हमारी या कोई नए प्लेयर खेलेंगे, तो उसका आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और ज़्यादा अगर इस मैचों पे आप टीम खुद से बनाओगे स्टेट देख के, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होएगा। धन्यवाद।